थर्ड स्टैंडर्ड। आज हम देखेंगे चैप्टर 3 का पार्ट 2, 32, 33, 34 ये पेजेस आज हम देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया है 47 इज इक्वल टू 37 प्लस 10। लास्ट टाइम हमने उधर ही कैलकुलेट करके अगर ऐड बोला है तो प्लस किया है, लेस बोला है तो माइनस किया है बच्चों। और इस तरह से हमने हमारा पढ़ाई जो है वो की है, ठीक है। तो आपको भी इस तरह से पढ़ना है, लेस बोला, रिड्यूसिंग बोला तो आपको माइनस करना है, सम ऑफ बोला, ऐड बोला तो आपको प्लस करना है, टेक अवे बोला तो आपको माइनस करना है। बस इतना ही आपको फर्स्ट पार्ट में याद रखना है कि नहीं इजी? यस, वेरी इजी। थर्ड स्टैंडर्ड हम लोग बहुत ज़्यादा आपको इजी बना के पहुँचाने की कोशिश में होते हैं ताकि आप खेलते खेलते हंसते हंसते विदाउट टेंशन आप पढ़ सको। तो यहाँ पे हमने जैसे स्टडी किया कि 37 प्लस 10 प्लस 9 कितने हुए, तो 37 प्लस 9 हो गए कितने होंगे ये हमें यहाँ पे ऐड करना है बच्चों। चलो करते हैं 37 प्लस 9, तो हमें तो बहुत मज़ा आता है एडिशन में। तो 9 को ये कैरी किया, इधर आए 6, ठीक है, एक कैरी किया, हो गए 46। तो यहाँ हम लिखेंगे 46। फिर इज देयर अ शॉर्टकट टू डू दिस? यस, आप उल्टा भी इसको प्लस कर सकते हो, जैसे 46 माइनस 9 तो कितना हुआ, कैरीड किया आपने तो आएगा ऑलमोस्ट 9 के बाद गिनेंगे 10 11 12 13 14 15 16, तो आया 7 और ये 3 इधर ही। तो अगर आपने तो बच्चों हम यहाँ पे थे कि हमको प्लस करके उसको ऐड करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैम हम करेंगे कि यहाँ पे विल इट बी इजियर टू गेट 46 प्लस 20? 46 प्लस 20 फर्स्ट, ओके। फिर 65 माइनस 30 कितने हुए, तो 65 को बच्चों आपको माइनस करना है यहाँ पे जैसे दिया है, और ये 5 और ये कितने हुए, 3 के बाद गिनिए 4 5 और 6, तो 3, तो 35 इज द आंसर। तो बच्चों 35 आपको लिखना है। फिर हुआ कौन सा वो अपने को सम मिलेगा जिसको 46 से प्लस करेंगे, तो 46 आसान है, कुछ भी आप पूछ लो, हमको तो आता ही है भैया, राइट। तो हम इनको पहले माइनस करेंगे, इनको फिर उठा के लिखेंगे 46 प्लस 21 कितने हुए, ये 7 और 4 5 6 67, तो आ गए 67, वेरी गुड। तो ये यहाँ लिख दीजिए, ओके, अब ख़त्म। अब दूसरा ले लीजिए, आप ऐसे क्या करेंगे जिसका आंसर 11 आएगा, ऐसा आपको पूछा है, तो आप क्या करोगे, 66 को किससे माइनस करोगे जिससे आपका आंसर 11 आएगा। तो आप 55 को यूज़ करेंगे जिससे आंसर आपका, तो ये यहाँ लिखना है, अंडरस्टूड। फिर यहाँ लेंगे हम, यहाँ हम लेंगे 46 प्लस 21 वो हो गया। फिर 36 क्या करेंगे जिससे प्लस 9 होगा, और ये डैश 87 माइनस, तो ये 87 भी माइनस करके देखेंगे कितना आता है। देखिए बच्चों 87
87 को माइनस कीजिए। सारे रचना मैम नहीं करेंगे, आपको भी करना है। 7 तो यहाँ आएगा क्योंकि 0 है, और 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8 ओके, तो 5 आया, 57 ओके, यहाँ पे 57, वेरी गुड, फैंटास्टिक। चलो इतना तो आ गया हमको। अब आप 36 के लेकर जो काम करेंगे उसको बोलेंगे कि किससे आप उसको ऐड करेंगे तो ये नंबर आएगा। तो हमको यहाँ पे बच्चों माइनस करना है, 36 माइनस करो 9 से, कितना आया इसको कैरीड करो, यहाँ पे 2 लिखिए, इतना ही आएगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6, 7, 7 आया। तो यहाँ पे 27 लिखो, फिर इसको ऐड करो वापस, अगर आए तो यही आंसर आएगा 36। तो ये ट्रिक होते हैं कि आपके आंसर्स राइट है कि नहीं जानने के लिए। तो इत्यादि हम बात आधे सम्स भी ऐसे ही करेंगे। फिर एडिंग ईच इज ओके मेड ईजी, अभी आपको आगे के सम्स आ जाएंगे। ये देखिए, अभी थोड़ा हिंट दे देती हूँ आपको, मैंने प्लस बोला है तो उसको प्लस करना है, आपको माइनस दिया है तो वो आंकड़े को आपको माइनस करना है। अगर आपको प्लस दिया है और आपको आगे की रकम तो माइनस कर लो, तो इसकी रकम भी आ जाएगी, ठीक है। एडिंग ईच एडिंग मेड ईजी, अनिशा बॉट एप्पल्स फ्रॉम 35 रुपीज़, राजा बॉट बनानास फॉर 21 रुपीज़, ठीक है। तो अब इनको, द वुमन इज सेलिंग फ्रूट्स एंड 37 इज 30 एंड 7 एंड 21 इज 20 एंड 1, सो 37 एंड 21 मेक्स 58, द फर्स्ट 2 आई कैन डू, हाउ डिड शी एड 37 एंड 21 सो फास्ट। तो जिनको गिनती नहीं आती है बच्चों, वो हमेशा सोचते हैं कि हमें क्या करना है। वी ब्रेक द 26 इंटू 20 प्लस 6 एंड 40 इंटू 43, सो देन इट इज़ ईजी, एड 20 एंड 40 एंड 3 प्लस 6 कितने हुए, 63 प्लस 6 9। तो ऐसे करके हम फिनिश करते हैं ओके। तो हमें रीत पता चल गई बच्चों, कैसे करना है, क्या करना है। अभी नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 34, जो हमको करना है। बहुत ही आसान है, आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही अच्छे से आपको आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिखाई दिया है 3 पेजेस, इसमें है 30 प्लस 3 प्लस 50, तो 30 और 3 प्लस 50 प्लस 6 ऐसे आपको लेना है, क्योंकि पहले 33 बोला है तो 30 प्लस 3 यहाँ पे दिया है और 50 प्लस 6 56। फिर इनको ऐड कीजिए आप, जैसे यहाँ दिखाया है 80 हो गया और फिर 3 और 6 हो गए तो 89 टोटल हो गए। तो ऐसे भी आप ऐड कर सकते हो बच्चों, जिससे आपको आंसर कम्प्लीटली मिल जाएगा, क्योंकि आप पूरा वहाँ तो लिख नहीं पाएंगे, ऐड नहीं कर पाएंगे दुकान में। सो इफ़ यू कैन डू द सम्स, सेम सम्स विद सम्स, सो 30 प्लस 22 इज इक्वल टू 30 प्लस 7 प्लस 20 प्लस 2, तो ये आपको करना है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 30 प्लस 20 हो सकता है 50, पहले बड़े बड़े आप ऐड कर दो, फिर जो चुटुक चुटुक है उनको ऐड कर दो आप, जैसे 7 प्लस 2 8 9 9 हुए और 50 प्लस 9, तो ये आप यहाँ पे लिखोगे, जैसे यहाँ यहाँ और यहाँ दिया है 50 प्लस 7 8 9, तो 9 हुआ। ऐसे करके आपको ये 30 प्लस 20 जो 50 मिले हैं इसको भी आपको ऐड करना है, एंड दैट विल गिव यू 59।
और ऐसे ही करके आपको ये भी सम सॉल्व करना है। अभी जैसे मैंने आपको सिखाया है वो आपको 5 टाइम्स लिखना है नोटबुक में और इसको 1 टाइम लिखना है फेयर बुक में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय फॉर नाउ।